नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। चाय की दुकान में ब्लास्ट, वीडियो वायरल। कटनी में एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसने से लगी आग, 5 लोग जख्मी। घटना बडवारा थाना इलाके के विलायत कला गाँव में शुक्रवार देर शाम की है। इसका वीडियो शनिवार को आया है सामने। भाजपा का फॉर्मूला अपनाएगी कांग्रेस, कमलनाथ, दिग्विजय समेत 11 बड़े नेता लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, जीतू के लिए क्या विकल्प। उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या, लूटपाट के बाद मर्डर की आशंका, 2 दिन पहले पंजाब से लौटे थे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 3000 बढ़ेगी, एमपी के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा। अभिनेत्री पर तिरछी नजर, ट्रोल हुए बाबा, कलेक्टर एसपी में बातचीत बंद। बीजेपी ने डॉक्टर महेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया, सतीश उपाध्याय सह प्रभारी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। झड़प के बाद अब तक 19 लोग गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, नियंत्रण में स्थिति। भाजपा के साथ रामलहर और मोदी का चेहरा, कांग्रेस बिना नेता और मुद्दे के। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की बिखरती एकता भाजपा की राह आसान बना रही। अग्निवीर की तर्ज पर एमपी में वनवीर होंगे भर्ती, हर साल होगी 500 से अधिक नियुक्तियां। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए वनवीरों की भर्ती की जाएगी, सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बिजली चोरी पर प्रशासन ने बरती सख्ती, अनियमितता के 15,000 प्रकरण बने, घोटाले में उज्जैन आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।